हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी ITI में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार ITI ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए बोर्ड के द्वारा 12/1/2021 को ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था और उस नोटिस में बताया गया था कि ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है वो 15 जनवरी से शुरू होगा। दोस्तों, आज आपका 15 जनवरी है तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आज कितना बजे से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, लिंक एक्टिव जो है कितना बजे से हो जाएगा, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि आप लोग अपने मोबाइल से कैसे अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का जो प्रक्रिया है वो कर पाएंगे। और साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब से कब तक जो है रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया चलेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट क्या होगा, सारा जानकारी आज के इस वीडियो में हम आप लोग को देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि मेरे पास बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस है। इस नोटिस में जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको सारा जो शेड्यूल है वो आपको डिटेल में यहाँ पर जो है डेट के साथ दे दिया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप लोगों का 12/1/2021 को जो है आपका सीट मैट्रिक्स और बिजनेस रूल जो है वो क्या किया गया था, जारी किया गया था। वहीं पर आप दूसरा नंबर का डेट देख सकते हैं, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट के लिए आप जो लोग जो है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं कि 15/1/2001 से आप लोगों का शुरू हो जाएगा। और वहीं पर अगर बात कर किया जाए लास्ट डेट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग, तो ये आप देख सकते हैं कि 24/1/2021 आपका क्या है लास्ट डेट, यानी कि 15 तारीख से लेकर के आप लोग 24 जनवरी तक जो है आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन या और चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोग अपने मोबाइल से कैसे जो है अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का प्रोसेस करेंगे, तो इस पर एक दोस्तों हम स्पेशल वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में या फिर इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को स्क्रीन पर ही वो वीडियो दिख जाएगा, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, या नहीं तो आप लोग इस चैनल के वीडियो लिस्ट में भी जाकर के आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने डिटेल से बताया है कि कैसे आप लोग अपने मोबाइल से जो है अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आज कितना बजे से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। वेबसाइट पर लिंक जो है रजिस्ट्रेशन का और चॉइस फिलिंग का कितना बजे से जो है जारी हो जाएगा। तो डाउट नॉट, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचे, क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा 5 सेकंड में। चाहे वो क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी बोर्ड का हो, 6 to 12 से लेकर नीट, ITJEE, मेंस, एडवांस का हो, या किसी भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, हर सब्जेक्ट का मिलेगा सोल्यूशन। साथ ही .NET पे क्लास 9 से 12 तक लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से अधिक बच्चों ने डाउनलोड किया है, तो आप भी कीजिए डाउनलोड .NET ऐप। तो आपको बता दें कि आपके बोर्ड का जो जनरली रहा है लगभग जो है 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में जो है आपके रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का जो लिंक है वो एक्टिव होने की 100% संभावना है, क्योंकि पिछले दिनों में BCEC बोर्ड का यही रिकॉर्ड रहा है। और जैसे ही 4 से 5 बजे के बीच अगर आपका लिंक एक्टिव किया जाएगा तो हम आप लोगों को फिर से बताएंगे कि लिंक आपका एक्टिव हो चुका है, और एक स्टूडेंट का हम जो है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का प्रक्रिया पूरा करके जो है आप लोगों को दिखाएंगे। आशा करते हैं कि आज का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये सही जानकारी पहुंच सके।